बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले हम मनीष जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव है, और उससे पहले करहल सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी गई है, तेज प्रताप मैदान में होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर और आज हरियाणा में भी चुनावी नतीजे हैं वो सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी 49 सीट पर आगे, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बड़ा उलटफेर जो है वो यहां पर देखने को मिला है हरियाणा में रुझानों में। तो हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए पल पर नजर रखे हुए है न्यूज स्टेट, और एक बार फिर से यहां पर साफ देखा जा रहा है आंकड़ों के जरिए कि बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन सुबह से जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें कांग्रेस आगे थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन क्योंकि रुझान है, बदल सकते हैं नतीजे आने में, अभी टाइम है, नतीजे जब तक आएंगे उससे पहले 12 से 12:30 बजे के करीब हम कह सकते हैं, जब ये आंकड़े थोड़े से स्टेबलाइज्ड होंगे, कि शायद हो सकता है कि इस पार्टी की सरकार बने। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आंकड़े जो आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अनिल विज जो है 1199 वोट से पीछे चल रहे, करनाल से बीजेपी उम्मीदवार आगे है। तो ये बड़ी अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर दे रहे हैं लगातार चुनावी नतीजों को लेकर। गुरुग्राम सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है, और देखिए यही वजह है कि शुरुआती रुझानों में जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए थी, और एक तरह से देखा जाए तो बहुमत जो है वो मिल रहा था, लेकिन अब एक बड़ा उलटफेर हुआ है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, यहाँ पे हुड्डा की तरफ से कहा गया है, भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला जरूर है लेकिन सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का हर नेता ये लगातार बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूरा कॉन्फिडेंस फिलहाल कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं नहीं, वो तो अभी दो राउंड तीन राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है, 10 साल के बाद। हाँ, 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे, कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं, ये पार्टी फैसला करती है। तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, जीत का दावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, और इसी पर आज हमारी ये चर्चा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप ही से मेरा ये सवाल है, क्योंकि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले आज जो दो राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं, जो अभी तक तस्वीर सामने आ रही है, और हरियाणा में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उलटफेर होते हुए, क्या कहेंगे आप? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को वहां के मतदाता अपना मत और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस हरियाणा में एक भी नौकरी बिना खर्ची पर्ची की नहीं मिलती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तमाम राजनीतिक परिवारों का कब्जा था, वहां हमने एक दो दो सीएम ऐसे दिए जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकले थे, जिनके नजर में हरियाणा का विकास ही विकास था, परिवार का विकास नहीं, उसके नाते से हमको पूरा भरोसा था। हाँ जरूर, कांग्रेस इस बात को कह रही थी, तमाम जो रुझान थे पहले, जो एग्जिट पोल थे, उन्होंने भी वहां कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन हम लोग देखिए लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तमाम जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के जो जनता का जो फैसला था उस पर भरोसा था, और वो नतीजों में स्पष्ट हो रहा है। मैं एक बात और कहूंगा, जरूर कहूंगा कि देखिए जो 35 सीटों पर कांग्रेस है आगे है, उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत छोटे अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं, तभी कांग्रेस को और नीचे जाना है इस पूरे नतीजों में।
ठीक है, सुदर्शन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सुदर्शन जी, देखिए रुझानों की बात करें तो फिलहाल तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन देखिए ये पासा ऐसा है रुझानों का कि कभी कोई किस करवट बैठता है पता नहीं चलता, यानी कि कभी जीत में दिखाई देती है कांग्रेस तो कभी जीत में दिखाई देती है बीजेपी। थोड़ी देर में हालांकि साफ होगा, लेकिन इन रुझानों को देखकर क्या अनुमान लगाए? देखिए मतदान के बाद से ही जैसे एग्जिट पोल की स्थिति सामने आई तो स्पष्ट होना कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, भाजपा विपक्ष में जा रही है। लेकिन आज की स्थिति को अगर देखें तो लगातार उलटफेर हो रहा है, कभी भाजपा आगे हो रही है कभी कांग्रेस पीछे हो रही है। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जमावड़ा है, भाजपा के मुख्यालय पर जमावड़ा है, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को लेकर के आशान्वित है, दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखना यह है कि जनता ने उनके भाग्य को किसके भाग्य को बंद किया है, किसकी लॉटरी लगने जा रही है। हरियाणा में जिस तरीके का ट्रेंड रहा है, 10 साल से ज्यादा किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो अब की बार देखने की बात यह है कि भाजपा को बढ़त मिलती है या ट्रेंड जो पहले से रहे कि 10 साल के बाद किसी दूसरे को मौका दिया जाता, तो हो सकता है कि अब की बार फिर से 10 साल के बाद जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनने जा रही है, तो देखना है कि दोनों में से किसके दावे प्रबल होते हैं। अभी चूंकि स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं है, 12 से 1 बजे के आसपास स्थिति लगभग स्पष्ट हो सकेगी कि कौन दल आगे जा रहा है और किसको सरकार बनाने के लिए जनता ने चुना है, किसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक मुद्दों की बात है, पूरे चुनाव के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरियां और जो वायदे थे, चाहे वो पेंशन के थे, चाहे वो सिलेंडर सस्ते थे या फिर और योजनाएं थी, देखना ये होगा कि कौन सी योजना का जादू, किस दल का जादू जनता के सर पर चढ़ करके बोला है। अभी तो दावे और ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास में, बात करेंगे और भी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें कि हरियाणा में रुझानों में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में सियासी हलचल तेज हो गई है, सरकार बनाने की कवायद पर मंथन होने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने, जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है। तो देखिए अभी तक यहाँ पर देखा जा रहा था कि बीजेपी थोड़ी बहुत शांत थी, लेकिन जैसे ही रुझानों में अब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में सियासी हलचल दिखाई देने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने महासचिवों की बैठक बुला ली है, सरकार बनाने को लेकर मंथन होना शुरू हो गया है। 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी रही है, ऐसे में इस बार थोड़ा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा था, लेकिन जीतती है तो यह हैट्रिक होगी, देखना होगा क्या होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, आलोक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टेलीविजनों पे रुझान दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समय है कि जब वो अपनी रणनीति को लेकर के, रणनीतिकारों को लेकर के जरूर बात करते हैं, और ऐसे में जो हलचल भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पे दिख रहा है या सुनाई पड़ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो रुझान अभी चल रहे हैं, जिस तरह से हम T20 का मैच देखते हैं उसी तरह से बयानों में भी T20 के बयान जैसे ही आ रहे हैं कि किसी वक्त पे कांग्रेस कह रहा है कि अभी हड़बड़ी ना करिए किंतु परंतु, इस तरह के शब्दों से अभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप इस रुझानों को लेकर के आशान्वित है और फिर वापस से हरियाणा में सरकार बनाने की पूरी वो तस्वीर साफ नजर आ रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में वो बात शुरुआत से नहीं थी, क्योंकि लगातार 2 बार की सरकार, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद ये सही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई, और इस बार जो हरियाणा के मुद्दे थे, नौजवान, रोजगार, जवान और पहलवान, इस तरह के कुछ मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हरियाणा में उतरी थी, और उसे लग रहा था कि जिस तरीके से वो मुद्दे लेकर के उतर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से बल्कि मुद्दों से भी परेशान से नजर आ रही थी। लेकिन अब रुझान और आंकड़े अपने आप में संतोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उस आंकड़े से वो पार निकलते दिख रहे हैं जहां से वो बहुमत की सरकार बना सकते हैं। लेकिन देखना यही है कि जो आंकड़े लगातार थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, या फिर अगर हम राउंड की बात करें तो लगभग 8, 9, 10 इस तरह के राउंड कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे हो चुका है। आमतौर पर 12 या 13 राउंड के बाद एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसे आंकड़े सामने नजर आ जाते हैं जिनका बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और लगभग जो राजनीति के पिछले कई सालों के अगर कहा जाए एक्सपर्ट हैं तो उस बात को मान लेते हैं कि यही आंकड़े अब आगे तक रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत
अगर कहा जाए तो बिल्कुल जो अंतर बिल्कुल है, वो जीत का। मैं हम लौटेंगे आपके पास और इसी पर मैं रिएक्शन सुदर्शन जी आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम स्थिति देख पा रहे थे सुबह जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई तो तस्वीर जो है वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी पहुंच चुकी है और जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस, विश्लेषण क्या कह रहा है दोनों ही जगह पर, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या हरियाणा की बात करें? सुदर्शन जी आवाज आपकी नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन मनीष जी के पास चले थे ऋतु, और कहीं ना कहीं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आलोक हमारे संवाददाताओं को आप सुन रहे होंगे, और मनीष जी हरियाणा में जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस नौजवान किसान पहलवान इनका दम भरते हुए कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे वो काम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक चिंता जरूर बढ़ गई थी नौजवान किसान और पहलवान को लेकर, क्योंकि नाराजगी इन तीनों में देखने को मिल रही थी। नाराजगी कॉस्मेटिक थी, क्योंकि वोट जब जनता की अदालत का पिटारा खुल गया है और वोट निकल रहा है तो उससे स्पष्ट है कि कहीं 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 न कहीं कॉस्मेटिक तरीके से फैलाया गया था कि लोग नाराज हैं। 10 साल की सरकार के बाद इन परिस्थितियों को लोगों ने निर्माण किया था। मैंने एक फैक्ट अभी कुछ देर पहले बोला था, मैं फिर उसको दोहराता हूँ, जो 35-36 सीटों पे कांग्रेस आगे है उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत थोड़े मार्जिन से आगे है, यानी आने वाले समय में कांग्रेस की सीटें और घटेंगी। देखिए हरियाणा भले ही किसान पृष्ठभूमि का प्रदेश है लेकिन वहां की साक्षरता पर्याप्त है। आप कुछ देर के लिए किसानों का इशू लेके पहलवानों का इशू लेकर आप एक भ्रम का वातावरण जरूर बना सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब भ्रम का बादल छटता है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं जैसे आ रहे हैं। लगातार झूठा नरेटिव और झूठी बातें कांग्रेस और राहुल गांधी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करते रहे। आखिर 1952 में पहली बार भारत के पहलवान ने ओलंपिक में पदक को जीता था, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस हरियाणा में भी देश में रही, ऐसी व्यवस्था को क्यों नहीं बनाया कि वहां के लोग और पदक जीतते। 10 साल 2014 में जो हमारी केंद्र में सरकार बनी, जो हमने खेल नीति बनाई, जिस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया, उसका परिणाम है कि आज एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो लेकिन तमाम नरेटिव झूठी बातें होती रही, हम लोग उसमें फंसे भी नहीं, हम लोगों ने कभी भी विनेश ये तो कहने की बात है मनीष जी, लेकिन चिंता जरूर दिखाई पड़ रही थी। हालांकि अब बेशक रुझान आपके पक्ष में आ रहे हैं तो शायद आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो और जो चिंता देखी जा रही थी इन पहलुओं पर वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस बीच आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान सामने आया, तो बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा चुनाव के रुझानों पर बोले बृजेश पाठक, हरियाणा की जनता का बहुत धन्यवाद, ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, हरियाणा की जनता का हृदय से आभार डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से जताया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो जिस तरह के रुझान हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है, हरियाणा चुनाव के रुझानों पर बोलते हुए उन्होंने जनता का धन्यवाद जताया, कहा कि ये मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की एक बड़ी जीत। देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मैं आम जनता का, जम्मू कश्मीर के अवाम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये सब माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, मोदी जी की जीत है, और जिस ढंग से तीसरी बार हरियाणा की आम जनता ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हरियाणा की जनता का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं वहाँ लगातार प्रवास पर था चुनाव में, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुँचाने में हम सब कार्यकर्ता सफल हुए हैं, और हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी देखिए सुबह से तो कांग्रेस जश्न मना रही थी लेकिन अब बीजेपी में माहौल बनना शुरू हो गया है, जैसे ही रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ी कमी कांग्रेस के? नहीं, देखिए चुनाव का नतीजा दो ही होता है, हार या जीत, इससे आत्मविश्वास कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो चीजें दिख रही हैं स्क्रीन पे, जो चीजें आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमें पूरा ये भरोसा है
कि ये चीजें बदलेंगी, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव की आप देखोगे कि 12 बजे तक 1:30 बजे तक चीजें एकदम अलग दिख रही थी, उसके बाद चीजें एकदम अलग हो गई थी। हाँ, आसपास की बातें हम करें या जो भी करें, हो सकता है क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे संख्या हमारी घटती हुई कम दिख रही है, लेकिन जो भी बातें हो रही थी कि जनता जनता का विश्वास, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी इस चुनाव से पूर्णतः गायब है। मोदी जी कश्मीर में दिख रहे थे, मोदी जी हरियाणा में दिख नहीं रहे थे। तो अगर सच में नीतियां इतनी अच्छी होती तो इनको एक कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बातें कहने की हो जाती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। और जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो पहलवानों, किसानों और नौजवानों की समस्या हो, वो एज इट इज है, उसमें ना कोई कमी है, ना किसी ने भय दिखाया, ना इनके सरकारी आंकड़ों पे किसी ने झूठ फैलाया। सरकारी आंकड़े हैं, उस पे कोई क्या ही बताएगा। इस तरह सरकारी अपने आंकड़ों को झूठ बताना कि कोई समस्या ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग होने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी दर में हरियाणा किस स्तर पे, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, तो आंकड़े जो दिख रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कुछ भी कही जाए। हरियाणा की अगर हम बात करें तो डबल ट्रबल अब इस वक्त कांग्रेस के लिए, जिस तरह के रुझान, जिस तरह की तस्वीर। नहीं, डबल ट्रबल नहीं, हाँ मैंने कहा ना कि जो नतीजे हम देख रहे हैं और जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें अंतर हमें दिख रहा है, लेकिन इससे हमारे विश्वास में, हमारी सच्चाई में और तथ्यों के साथ खेल खलवाड़ करने में कोई अंतर नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये लोग तथ्यों के साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं। और तथ्यों के साथ कैसे खेलना, तथ्यों के साथ किस तरीके से खेलना, अभी इन्होंने अभी नहीं, तथ्यों के साथ नहीं बदल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। तो बता दें कि हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 48 सीट पर आगे है, कांग्रेस 36 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन देखिए, करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो गया है और लगातार बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। सुबह जब से 8 बजे से शुरू हुई थी गिनती, रुझानों में लगातार कांग्रेस आगे थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है रुझानों में। ये अंतर, बीजेपी 48 सीट पर आगे और वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 36 सीट पर आगे है। तो कोई 5 से 6 सीटों का अंतर नहीं है, लगभग 10 से 12 सीटों का अंतर है जो कि साफ देखा जा रहा है, बड़ा अंतर है। देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन क्योंकि रुझान है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद तस्वीर बदल भी सकती है। जब स्टेबलाइज हो जाएंगे आंकड़े तो साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी। तो लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और हरियाणा में अगर बात करें तो एक बड़ा उलटफेर, बहुमत में बीजेपी जो है वो दिखाई पड़ रही है। लगातार हमारी चर्चा भी जारी रहेगी, अपडेट भी आपको चुनावी नतीजों को